हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। और आज है 14 नवंबर, तो सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे, सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे और सभी को हैप्पी संडे। क्योंकि ये ऐसे व्लॉग है ना, मैं सिर्फ संडे या छुट्टी वाले दिन ही बना पाती हूँ, तो आज है छुट्टी और आपके साथ आज एक अच्छी सी शेयरिंग करने वाली हूँ। क्योंकि संडे वाले दिन मैं घर पर होती हूँ, तो मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मैं कुछ मेरी फैमिली को स्पेशल बना के खिलाऊँ। और आज मैंने स्पेशल बनाया पूरा राजस्थानी भोजन, राजस्थानी देसी भोजन। तो दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या बनाया है। मशीनें चालू हो चुकी है, इनसे वेट नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी थोड़ी देर रुक जाओ, और माँ जी बैठे, माँ जी ने खाना नहीं शुरू किया। तो मैंने बनाई है आज ये काचर की सब्जी। ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला है और ज़्यादा मिर्ची भी नहीं डाली है। और ये बनाई है थोड़ी सी मैंने बैंगन और प्याज। ये मैंने मेरे लिए हैं, क्योंकि घर में किसी को पसंद नहीं है बैंगन, बैंगन की शक्ल ही पसंद नहीं है। तो थोड़े से बनाए हैं, सामने भाभी ने लगा रखे हैं बूटे, तो वहाँ से 2-3 तोड़ के लेके आई थी। और मुझे पता है माँ जी खाएंगे थोड़े से मेरा मन रखने के लिए, बाकी कोई नहीं खाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल ज़रा से बनाए हैं। और साथ में है रायता, कड़कड़ों सही रायता, कच्चा प्याज, हल्दी और जीरा, इसका रायता बनाया मैंने तड़का लगा के। मम्मा बहुत स्वाद बने, बहुत स्वाद है खाना, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। और सेठ जी भी आ रहे हैं इधर, और सेठ जी तो बड़ा वेट करवा रहे हैं। सेठ जी को कह रही हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और साथ में है काचर की चटनी, चटनी कल की बनी हुई है, आज की बनी हुई नहीं है। तो किस किस को राजस्थानी भोजन पसंद है तो आ जाओ खाने के लिए। और किस किस को राजस्थानी भोजन पसंद है, आज दावत चल रही है राजस्थानी भोजन की, तो आ जाओ सभी खाने के लिए। और हम रह रहे हैं पंजाब में, पंजाब में 15 साल से ज़्यादा हो गए ना, 15 साल से ज़्यादा हो गए, एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं याद करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको। और फिर भी ना ये स्वाद, जीव वाला स्वाद जो राजस्थानी स्वाद है वो हमारा गया नहीं है। तो कभी कभी ऐसे भोजन बनाते हैं हम, और कभी कभी चूल्हे पे रोटी भी ट्राई करेंगे, चूल्हा है नहीं अभी घर में, तो कोशिश करूंगी आज मैं चूल्हा बनाने के लिए। चलो आ जाओ खाना खाने के लिए, खाना तैयार है हमारा, टाइम हो चुका है। और आज है हमारा ये ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा, ये अलग अलग नहीं बनाया है, और फुल भर के खाएंगे। देखो खाने का तरीका देसी भोजन का, बनाने का भी होना चाहिए और खाने का भी होना चाहिए, असली स्वाद ना देसी तरीके से खाने में। गोविंद देखो कैसे जुटा हुआ है। चलो